हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग कैसे हो? अब मुझे लगता है सभी बच्चों को कॉलेज तो मिल ही गई होगी, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे कहने पे BMS में एडमिशन लिया है। उनको तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे पे इतना भरोसा किया। वैसे मैंने तो अपना ही एक्सपीरियंस हर वीडियो में शेयर किया है BMS का, बट स्टिल आप सब लोगों ने मुझ पर इतना बिलीव किया और मेरे कहने पर आप BMS को चूज़ कर रहे हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके लिए थैंक यू सो मच। तो जिन बच्चों ने मुझसे इंस्पायर होकर या किसी के कहने पे BMS में एडमिशन लिया है, और कुछ बच्चे पहले से ही BMS में इंटरेस्टेड थे तो उन्होंने भी एडमिशन लिया है BMS में, तो सब ने मेरे को बोला कि भाई पढ़ाओ। तो मैं ये उनको बता दूं कि मैंने एक दो वीडियो अपने चैनल पर डाली है वात पित्त कफ की। आयुर्वेदा का जो बेसिक है वो अगर आपने समझ लिया, और अगर फर्स्ट डे आप क्लास में जाते हो और किसी ने तुमसे पूछ लिया और तुमने बता दिया, फेमस हो जाओगे। मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पता है मैं फाइनल ईयर में आ गई हूँ, अब मुझे जाके क्लियर हुई है ये चीज़ें। और आपको अगर मैं फर्स्ट ईयर में क्लियर करा रही हूँ तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। जब आप जाओगे ना कॉलेज, एक दो महीने आप जब वहाँ पे पढ़ोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार, दीदी ने हमें बिल्कुल सही बताया। तो अभी से मैं आपको नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, ये फोकस करो, वो फोकस करो, कुछ मत करो। सिंपली जाओ कॉलेज, नए नए बच्चों से मिलो, हर चीज़ में ना इन्वॉल्व होना सीखो, ठीक है? सिर्फ एक पढ़ाई में भी नहीं रहना है हमको, ठीक है, और सिर्फ खाली मस्ती में भी नहीं रहना है, बैलेंस बना के चलना है। लेकिन इनिशियल फेज़ में हमें सब बच्चों से इंटरेक्ट करना है, टीचर से इंटरेक्ट करना है ना। और रैगिंग में पता है आजकल बहुत सिंपली होती है चीज़ें, कुछ भी ऐसे आपको परेशान करने वाली चीज़ें नहीं होती है। सिर्फ आपका इंट्रो लेंगे, आप कहाँ से हो, इंटरेक्शन जो सीनियर और जूनियर का होता है ना, वो अगर आप जाते ही नहीं करोगे ना, तो आप किसी से भी वहाँ पे बात ही नहीं करोगे, तो आप कितनी बोरिंग लाइफ जाएगी कॉलेज लाइफ। इसलिए रैगिंग इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है ना, सीनियर्स को रैगिंग लेने में मज़ा ही नहीं आता, वो आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो, हम तो कॉलेज में पहले से हैं, हमें पूरा माहौल पता है कॉलेज का, ठीक है? और जो नए बच्चे आते हैं ना, वो वैसे ही नीट एस्पिरेंट होते हैं, थोड़े से ऐसे सहमे से होते हैं कि यार थोड़ा सा कम बोलना है ना, क्योंकि इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते हम ऑलरेडी, क्योंकि सबसे कटके रहते हैं। जब हम नीट की तैयारी करते हैं ना, सबसे कटके रहते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तो हम ना खुल नहीं पाते। इसलिए ये इंटरेक्शन ज़रूरी है, ठीक है? मैं ये रैगिंग के फ़ायदे बता रही हूँ, ठीक है? नुकसान तो आप सबको पता है, तो फ़ायदे बता रही हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए ताकि आप जब जाओ कॉलेज तो सब के साथ घुल मिलकर रहो। तो जो भी आपके सीनियर्स रहेंगे ना, वो जैसे आपकी इंट्रो ले लिया या आपसे कुछ गाना गाने के लिए आपको कह दिया, कुछ भी ऐसे कह दिया, उनकी बात मानो, उनकी रेस्पेक्ट करो। ये मैं क्यों सिखा रही हूँ? क्योंकि वही सीनियर आपकी पढ़ाई में हेल्प करेंगे, आपको अगर वहाँ रहने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ आपकी हेल्प करेंगे। टीचर्स से ज़्यादा वहाँ पे आपकी सीनियर्स हेल्प करेंगे, वो आपके अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं अगर आप उनकी रेस्पेक्ट करो, आप उनकी बात मानो, क्योंकि ऐसा वो कुछ गलत करने को भी नहीं कहते हैं, है ना। रैगिंग आजकल ख़राब वो वैसी होती नहीं है, वो तो टाइम गया आपका। तो बस मुझे लगा कि ये बातें आपसे शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ आप सभी को। और ये वीडियो शूट करने का ना मेरा मेन मोटो यही है कि मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, वो है पढ़ाई को लेके। देखो, आप सबने तो बोल दिया कि चलो दीदी आप ना पढ़ा दो, हमारे कॉलेज के लिए ईजी रह जाएगा, है ना। ये बात मैं आपकी समझती हूँ, और इसके लिए मैंने दो वीडियोज़ बनाए भी हैं, वो आपके आगे के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि यार एक एक टॉपिक तो देखो पॉसिबल नहीं है पढ़ाना, है ना। आप भी ये चीज़ समझते हो, क्योंकि आप नीट की तैयारी तो कर नहीं रहे हो या PG के एग्ज़ाम की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, तो एक एक टॉपिक अगर मैं पढ़ाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। और प्लस एक तो आप ये चीज़ भी समझते हो, जैसे मेरे 14 के सब्सक्राइबर्स हैं, है ना, अभी मेरे आप चैनल पर जाके व्यूज़ देखोगे, जब से मैंने पढ़ाई की वीडियोज़ डालना शुरू किया है तो वहाँ पर व्यूज़ देखो आप मेरे 2K, मुश्किल से 2K व्यूज़ हो पा रहे हैं, और जबकि सब्सक्राइबर मेरे कितने 14K। तो सारे बच्चे नहीं देख रहे हैं, तो सारे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं पढ़ने में, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो, क्योंकि इससे मेरे चैनल की रीच कम हो रही है, मेरा ना चैनल डाउन जा रहा है इस चीज़ को लेके। अब देखो, इसमें ना मुझे आपसे फ्रीली सजेशन लेना है, क्योंकि मैं आपको एक फैमिली की तरह मानती हूँ, और वही मान के मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। आगे भी हमें अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी है ना, इसलिए मैंने तो देखो ये सोचा है कि देखो पढ़ाई भी करते रहेंगे, थोड़ा बहुत स्टडी व्लॉग्स भी मैं डालती रहूँगी, आपको मोटिवेट भी करती रहूँगी, और अगर आपको डाउट है तो कमेंट्स करते रहा करो, मैं रीड करती हूँ सारे कमेंट्स, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं रीड नहीं करती, और जितना होता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। और जैसे लगता है ना कि यार हाँ यार ये बहुत एक डाउट सबको आ सकता है, कॉमन डाउट है, तो उसको मैं वीडियो में ही सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो देखो, मैंने तो यही सोचा है कि हम ना साथ साथ में स्टडी व्लॉग्स डालेंगे, ठीक है, थोड़ी सी मस्ती भी करेंगे, अगर मैं कहीं जाऊँगी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी तो मैं आपको भी एक्सप्लोर कराऊँगी, ठीक है, कि यहाँ का ये अच्छा है, आप यहाँ पे जाना, ठीक है, ये चीज़ें तो है, चलो एंटरटेन तो होता रहेगा, पढ़ाई को लेके क्या करना है। तो मैंने तो ये सोचा है, जो मैंने सोचा है वो मैं आपको बताती हूँ, आपको अगर सही लगता है तो प्लीज़
प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना उसके लिए। यार अपन एक काम करते हैं कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट है ना, जैसे एनाटॉमी सब्जेक्ट हुआ, पदार्थ विज्ञान, चरक संहिता, ठीक है, इनका ना मैं आपको ब्रीफली बता दूंगी सब्जेक्ट वाइज कि आपको ना पढ़ना कैसे है। एक बार आपको पढ़ना आ जाएगा ना, फिर आप सब कर लोगे। और अगर कोई ऐसे मुझे लगा ना कि यार ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, आपसे नहीं हो पाएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब जैसे संस्कृत है, संस्कृत को लेके आप सब चाह रहे हो कि मैं वीडियोस बनाऊं। हाँ मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं सब वीडियोस बनाऊंगी, आपको पढ़ा दूंगी। तो ये बात थी जो मुझे बहुत दिनों से परेशान करी थी, तो मैंने सोचा यार आपसे ही पूछ लेती हूँ। तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट में बता दो कि करना क्या है। तो अब बात कर लेते हैं जिस चीज़ के लिए सारे स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं कि दीदी की कॉलेज का नाम क्या है, दीदी कहाँ पे पढ़ती है। तो मेरी कॉलेज का नाम है श्री भंवरलाल डुग्गर आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि सरदार शहर में है, डिस्ट्रिक्ट चूरू, राजस्थान स्टेट। और ये एक प्राइवेट कॉलेज है, पहले ये गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करती थी, बट अभी रिसेंट में ये एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। अब ये जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर ही आती है। बहुत से लोगों ने राजस्थान से होके भी इस कॉलेज में एडमिशन लिया होगा और मेरे जूनियर्स बन के आए होंगे, तो आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे क्लास में। अब एक बात दिमाग में आई होगी कि दीदी प्राइवेट कॉलेज में, इसलिए अपनी कॉलेज का नाम नहीं बता रही होगी, या इसीलिए ना हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बोल रही होगी। तो पहली चीज़ तो मैं अपनी कॉलेज का नाम इसलिए नहीं बताना चाह रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यार मेरी वजह से आप इस कॉलेज में आओ, क्योंकि आप मेरी नीट स्टोरी सुन चुके हो, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ था वो आप सभी को पता है, ठीक है। बस इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं कॉलेज का अपना नाम रिवेल करूं, बट स्टिल ठीक है, बहुत से लोगों ने पूछा तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। वैसे इससे कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी चीज़, मैं आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैंने अपने एनालिसिस के बेसिस पे ये देखा है कि यार प्राइवेट और गवर्नमेंट में ना डिफरेंस क्या है। ये जो 3-4 साल मैंने अपनी फील्ड में निकाले हैं ना, उससे मेरे को पता चला कि यार इतना कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें ना सेम ही होती है। सिर्फ ना फीस का ही वो रहता है कि फ़ीस प्राइवेट कॉलेजेस की ज़्यादा होती है और आपके जॉब पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। आप पीजी का एग्ज़ाम दे सकते हो, सब कुछ आप सबके लिए इक्वली है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आप सबकी इक्वल है। तो जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है उनका ऑल द बेस्ट, और जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला है उनको भी ऑल द बेस्ट। यार मैं कर रही हूँ ना अच्छा, आप भी कर लोगे, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस आपको बीएमएस में बहुत आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई चलो मेरी कॉलेज की भी बात। अब आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे बताना है कि पढ़ाई का हमें करना क्या है। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, कमेंट करके आपको बताना है कि टॉपिक वाइज चलना है या सब्जेक्ट वाइज चलना है, उस अकॉर्डिंग मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगी, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।